हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उपस्थित हूँ लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद है आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा, करते हैं आज के सेशन को आरंभ। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। सभी के लिए प्रणाम भाई, सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जुड़े हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। सभी लोग कक्षा को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिएगा तो बिना समय गवाए लेते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न आज की क्लास का आपका क्या है, देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका विलोम शब्द का। प्रश्न कह रहा है कि विलोम, और विलोम किसका पूछा गया है आपसे? सुगम का विलोम पूछा गया है। तो देखिएगा, सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सरल होता है क्या? नहीं भाई, सरल सरल का कठिन होता है, अगम अगम का दुर्गम होता है, या गम होता है, अगमनीय, आकाश का पाताल होता है। तो सुगम का राइट आंसर दुर्लभ होता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि आपकी संख्या कम है। सभी लोग कक्षा को लाइक शेयर करें। हाँ जी, यहाँ दुर्लभ आपका राइट आंसर होता है। कभी भी पूछा जाए सुगम का विलोम क्या होगा, दुर्लभ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक शब्द सही युग्म है? कौन सा है जो सही युग्म है? क्या ऊंचा पहाड़ी मैदान आदित्य का कहलाता है, पुरुषत्वहीन क्लीब कहलाता है, कसैले स्वाद वाला कासाय कहलाता है, उपर्युक्त सभी? तो क्या है आपके इस क्वेश्चन का जवाब, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। देखिए, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आदित्य का पहाड़ के ऊपर समतल भूमि। बहुत अच्छा दोस्तों, सही जवाब की तलाश में जा रहे हैं आप। ये बहुत लोग गलत जवाब भी दे रहे हैं, पुरुषत्वहीन क्लीब, कसैले स्वाद वाला कासाय। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जी हाँ, इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होता है। बहुत बढ़िया, चलिएगा कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर देते रहिएगा आप लोग। आपका ये भी प्रश्न सही होता है। और अगला प्रश्न क्या है, देखिए, किस शब्द में वि उपसर्ग नहीं है? वि उपसर्ग नहीं है तो बेटा देखो, वियोग, वियोग शब्द किससे बन रहा है? वि प्लस योग से। संधि की बात करें तो यह संधि नहीं होगी, ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। व्याकरण, व्याकरण शब्द बना है आपके वि प्लस आ प्लस करण से, तो यहां भी वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और इसके अंतर्गत संधि भी आपसे पूछ ली जाए तो संधि होगी दोस्तों यण संधि, बिल्कुल यण संधि होगी। इधर वित्त शब्द, इसके अंतर्गत कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, आपका राइट आंसर वित्त होगा। इधर व्याख्या में भी आपका भी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर होता है तीसरा। जी हाँ, बिल्कुल सभी लोगों का सही जवाब होता है क्वेश्चन संख्या 3 का, 3 ही आंसर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। चलिए एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। एक आंख से देखना, अपना हो चाहे पराया हो, सभी को एक आंख से देखना, समभाव से देखना। हाँ जी, कान का हो, काना होना? जी नहीं, एक आंख से देखने का मतलब है आंख तो दोनों हैं, कहीं आप समझ बैठे काना होना, काना होना नहीं है इसका। समान भाव रखना, कपट भरा व्यवहार करना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समान भाव रखना या समभाव से देखना। आपका राइट आंसर होता है दूसरा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। अब आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। पितृणुमति शब्द में संधि है। तो देखो, पितृणुमति शब्द की बात की जाए तो यण संधि से बना शब्द है ये। पितृणुमति शब्द में आपसे संधि पूछी जाए तो याद रखिएगा कौन सी संधि है, यण संधि है। सभी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है भाई, बहुत बढ़िया, यण संधि। यण संधि का नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ई उ रि कैसे हों, ये ह्रस्व या दीर्घ। हाँ जी बिल्कुल, राजपूत साहब बहुत बढ़िया, रामेश्वरी बहुत बढ़िया, एस के बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ के बाद में कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए।
कैसा स्वर आए भाई? असमान स्वर आए। तो मेल कराने पर ई का या हो जाता है, ओ का वा हो जाता है और रि का रा हो जाता है, तथा मिलने वाले असमान या समान स्वर की मात्रा या व रा के साथ जुड़ जाती है। तो आपका सही जवाब जो यहाँ होता है वह होता है यण संधि। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, काबिले तारीफ है आपका आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जैसे पितृणुमति में पूछ लिया गया आपसे, अभी आपके लिए शब्द दे देता है भातृपदेश, या आपके लिए शब्द दे देता है मात्राज्ञा, या आपके लिए शब्द दे दिया जाए मातृच्छा, या आपके लिए शब्द दे दिया जाए पित्राज्ञा, सभी में आपकी यण संधि होगी। अगला प्रश्न, यण संधि का उदाहरण नहीं है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। बीएसटीसी वालों कान खोल के सुन लो, आपके लिए यण संधि को मैं मोस्ट रखता हूं। अधिकतर क्वेश्चन यण संधि से पूछा जाता है, याद रखना। आपके लिए यण संधि कैसी रहने वाली है? मोस्ट रहने वाली है, क्योंकि विगत जो आपका रीट पात्रता एग्जाम हुआ, सर्वाधिक क्वेश्चन यण संधि से पुट अप हुए थे। न्यून, न्यून आपका किससे बना है? नी प्लस ऊन से बना है। मातृपदेश, तो मातृपदेश अभी मैंने आपको कहा था मातृ प्लस उपदेश से बना है। देवालय, तो यह आपका बना है देवी प्लस आलय से। और इधर आपका शब्द आ रहा है महोदार्य, तो यह बनता है महा प्लस औदार्य से। याद रखना किससे बनता है? महोदार्य, महा प्लस औदार्य से। तो यहां पर आपकी संधि होती है वृद्धि संधि, याद रखिएगा। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन संख्या 6 में। कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कमेंट नहीं ले रहे हैं सर, तो कमेंट इसलिए नहीं ले रहा कि कई बार क्या है कि क्लास समाप्त होने के बाद में बच्चे मुझे बोलते हैं कमेंट्स में जाकर के कि सर कमेंट्स कम लिया करो, जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थी का ध्यान डिस्टर्ब ना हो। बाकी का मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका न्यून में यण संधि है, मातृपदेश में यण संधि है और देवालय में यण संधि है। अभी आपसे औदार्य शब्द में प्रत्यय पूछ लिया जाए, याद रखना। इस शब्द में यदि प्रत्यय आपसे पूछता है तो याद रखना इसका मूल शब्द होता है उदार, और उदार के साथ यह प्रत्यय जोड़ने पर आपका शब्द बनता है औदार्य। तो औदार्य में आपसे प्रत्यय पूछे तो आपका यह प्रत्यय हो जाता है। दैट्स क्लियर? क्लियर? तो जल्दी से मुझे एक बार थम्सअप का इमोजी भेजें सभी लोग, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सभी लोग आंसर दीजिएगा। मैं कहूंगा कि हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, हृदय शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, सफर में धूप का हुआ जो तजुर्बा, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। तो आपको आंसर लगाना है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, यानी परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखो पटु का मतलब निपुण होता है, चतुर होता है, लेकिन दबंग नहीं होता। पटु और निपुण तो होता है लेकिन दबंग नहीं होता। जुनाही, चंद्रिका, ज्योत्सना, ये चांदनी के पर्यायवाची हैं। यहां पर मधुप, भृंग, अली, ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। वक्र, त्रियक, कुटिल, टेढ़ा, तिरछा, ये परस्पर पर्यायवाची हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं है। ये भ्रमर के परस्पर पर्यायवाची हैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। ये आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो राइट आंसर जिसकी आपको तलाश थी वह बहुत ही निकट आपके सामने ही रखा हुआ है, पहला, क्योंकि दबंग शब्द यहां पर पर्यायवाची नहीं है। किसका? पटु का। तो आपका क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर होता है पहला। और चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, किस विकल्प में गलत विलोम शब्द है? गलत विलोम शब्द है तो सृष्टि का प्रलय, वृद्धि का ह्रास, ह्रस्व का दीर्घ, तो पुष्ट का हष्ट, हष्ट पुष्टि समानार्थी आते हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सही हैं, लेकिन यह आपका सही नहीं है। आपका राइट आंसर होता है चौथा।
क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर आपका चौथा है। चलिएगा अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वागत शब्द, स्वागत शब्द किससे बना है? मैं फिर बोल रहा हूं आपको, पहली भी क्लासों में मैंने कहा है कि यण संधि, सॉरी, जो आपका बीएसटीसी की परीक्षा का लेवल है उसके अंतर्गत, बहुत हिंदी के अंतर्गत यदि क्वेश्चन कठिन रहेगा तो आपको विलोम पर्याय, एकल, युगम, लोकोक्ति, मुहावरे का रहेगा, संधि समास का बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन आने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो देखिए, स्वागत शब्द, स्वागत शब्द आपका सु प्लस आगत से बना है। बनता कैसे है देखिए, से और से पे मात्रा है ह्रस्व उ की, इसके बाद आ रहा है आगत शब्द। तो यण संधि के नियम से मेल कराने पर उ के स्थान पे व हो जाता है, दीर्घ आ की मात्रा व के साथ मिला के जब आप लिखोगे तो आपका स्वागत शब्द बनेगा। तो राइट आंसर आपका पहला हुआ। और उपसर्ग पूछा जाए तो सु इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। कई बार विद्यार्थी क्या करता है कि स्वागत शब्द में उपसर्ग पूछ लिया जाता है तो वह जवाब टिक कर देता है स्वय उपसर्ग नहीं होता, इसके अंतर्गत राइट जो उपसर्ग है वह सु होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, दिनों दिन में कौन सा समास है? याद रही, जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे समास का नाम पूछा जाए, दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, दिनों दिन, आपके इस प्रकार के शब्द जब दे दिए जाए तो याद रखना यदि समस्त पद में, बहुत बढ़िया बेटा, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, लेकिन इस नियम को भी हमेशा याद रखना, यदि समस्त पद में संज्ञा या अव्यय पद की अपूर्ण पुनरुक्ति हो, अपूर्ण पुनरुक्ति हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आपका राइट आंसर होता है अव्ययी भाव। जी हाँ, राइट आंसर आपका अव्ययी भाव हुआ। लेते हैं अगला प्रश्न। अब जैसे दिनों दिन दिया है आपके लिए, रातों रात दे देता है, हाथों हाथ दे दिया जाए, कानों कान दे दिया जाए, बातों बात दे दिया जाए, सब में आपका कौन सा होगा अव्ययी भाव समास। सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद में कौन सी संधि है? देखो, यह शब्द बनता है आपके सत, धन, चित, धन, आनंद से। अब बना किससे है? तो एक नियम होता है कि यदि क, च, त, त और प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा में से कोई एक वर्ण हो, या कोई स्वर वर्ण आए, तो मेल कराने पर पहले पद के अंत वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो क के स्थान पे गए, का ज, टाका हो जाता है ड, का द और पाका हो जाता है प। तो देखिए, त के बाद चार है, तो यहां पर आप याद रखना, यहां पर होता है कि यदि त के बाद च आए तो त के स्थान पे च हो जाएगा, तो यहां पे ता बदला च में, ये एक व्यंजन संधि का नियम, और ता के बाद स्वर आ रहा है तो ये वाला नियम लगा, यहां पर ता बदल गया आपके द में,
और जो आ की मात्रा है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, मिला के लिखोगे सच्चिदानंद शब्द बनेगा। तो यहां पर भी आपकी व्यंजन हुई और यहां पर भी आपकी व्यंजन हुई, तो व्यंजन प्लस व्यंजन आपका राइट आंसर चौथा इसके अंतर्गत होगा। दो बार संधि हुई है, ताके बाद चा तो ताका चा, और ताके बाद स्वर तो ताका, अपने वर्ग के तीसरे में बदलना, तो आपका राइट आंसर हुआ चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने रखते हैं। किस विकल्प में शब्द का सही अर्थ नहीं है, अर्थ सही नहीं है, कौन सा विकल्प है? देखो दीट का मतलब देखना यानी कि दृष्टि होता है, याद रखना क्या होता है, दृष्टि होता है। पीक, पीक का यहां दिया हुआ है कोयल, निर्जर का देवता, दीप का हाथी, तो ये सही है आपका, पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। एक शब्द होता है पिक, पिक का अर्थ होता है कोयल, लेकिन याद रखना पीक का अर्थ होता है थूकना, तो आपका राइट आंसर होगा दूसरा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिन्होंने बी टाइप किया है बिल्कुल सही होता है। और अगला प्रश्न है आपका, मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है, मर जाने की इच्छा, मुमुक्षु होता है, मरणासन्न होता है, बुभुक्षु होता है, मुमूर्षा होता है, तो देखिएगा मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, तो यह आपका आंसर नहीं होगा, मरणासन्न, मृत्यु के निकट, बुभुक्षु भूखा या क्षुधित, या भोजन करने का इच्छुक, मुमूर्षा, मर जाने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, और मर जाने का, मरने की इच्छा रखने वाला ये कहलाता है आपके मुमूर्षु, याद रखना। तो राइट आंसर हुआ आपका मुमूर्षा, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, सही विकल्प तलाशिएगा, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, क्या होगा आपका सही जवाब इसके अंतर्गत? क्या अनिवार्य होगा, निवार्य होगा, अप्रितम होगा, दुर्निवार होगा? तो देखो बेटा, अधिकतर विद्यार्थी अनिवार्य पे जा रहा होगा, मैं कहता हूं अनिवार्य यहां नहीं होगा, जिसका निवारण नहीं हो वो अनिवार्य है, जिसका निवारण किया जा सके वो निवार्य ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर है दुर्निवार, जिसका निवारण तो किया जा सके लेकिन अत्यंत कठिनाई के साथ, इसलिए आपका राइट आंसर होता है दुर्निवार। और अगला प्रश्न लेते हैं, परीक्षा से तात्पर्य है, परीक्षा से तात्पर्य क्या होता है? देखिएगा, परीक्षा से तात्पर्य जांच होता है, नतीजा होता है, मात्रा होता है, कीचड़ होता है, तो परीक्षा का सही हम लेते हैं यहां पर कीचड़, तात्पर्य क्या होता है, कीचड़ होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा, सेखी बगारना नहीं होगा, अत्यधिक व्यय करना नहीं, खूब कमाना नहीं, चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना, अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना आपका राइट आंसर होगा, 16 में चौथा आपका राइट आंसर होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी वाक्य रचना में स्वीकृत पद क्रम क्या है? तो देखो हिंदी रचना के वाक्य की जब रचना करते हैं तो पहले कर्ता का प्रयोग होता है, कर्ता के बाद कर्म, और कर्म के बाद आती है क्रिया, आगे चल के कर्ता के साथ उसका विस्तारक भी, ऐसे ही कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक आदि को सम्मिलित किया जाता है, तो कर्ता कर्म क्रिया आपका राइट आंसर होता है क्वेश्चन संख्या 17 में चौथा। चलिएगा अगला एक और प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तुलसीदास ने कहा, किसने कहा भाई विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है? तो ये हो गया आपका आश्रित वाक्य, याद रखना
ये होता है आपका आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य हो गया आपका तुलसीदास ने कहा, ये आपका प्रधान उपवाक्य। और वह है वाक्य जो एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य से मिलके बना होता है, उसको कहा जाता है मिश्र वाक्य। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन संख्या 18 में चौथा मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो बेटा अनुवय, अनुवय शब्द किससे बना है? अनु प्लस ऐसे बना है। अनुकूल की बात यदि हम करते हैं तो अनुकूल शब्द किससे बना है? देखिएगा, अनुकूल शब्द बना है आपके अनु प्लस कूल से। अनुज शब्द बना है आपके अनु प्लस जैसे, और अनुर्वर बना है आपके अनु प्लस उर्वर से। तो राइट आंसर जो आप तलाश रहे थे वह चौथा है, क्योंकि अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है बल्कि अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका 19 में राइट आंसर चौथा होता है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला था कि मैं आज कमेंट लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपके कमेंट के चक्कर में एक तो टाइम थोड़ा बढ़ता है और प्रॉपर बच्चे का ध्यान भटकता है कमेंट लेने से। तो चलिएगा, मैं बिल्कुल सारे कमेंट देख रहा हूँ, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, और ये थोड़ा सा वार्तालाप को कम करें और थोड़ा सा क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें आप लोग। चलिएगा, किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है तो कौन सा है? भाई देखो, लुटेरा जो शब्द है यह बनता है लूट प्लस एरा से। थानेदार शब्द बना है थाने प्लस दार से। यादगार शब्द आपका बना है याद प्लस गार से। और तोपची, ये शब्द बना है आपके तोप प्लस ची से। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका, याद रखना, ये रहता है लुटेरा, लूट प्लस एरा से बना है। आपका एरा प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? विदेशी प्रत्यय नहीं है, ये आपका कृदंत प्रत्यय हो जाता है। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यण संधि को दर्शाने वाला विकल्प है शीतर्तु है, सडानन है, गुरुवाज्ञा है, महोदय है। तो इसका राइट आंसर तो होता है गुरुवाज्ञा। क्यों होता है? उसके लिए व्याख्या देखिएगा, शीत धन ऋतु बराबर बनता है शीतर्तु। तो यहां पे आपकी संधि होगी गुण संधि, या आपकी गुण संधि होती है सडानन, या आपके सट प्लस आनन से बनता है। याद रखना, किससे बनता है? सट प्लस आनन से बनता है सडानन। यहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है, और सडानन शब्द में आपसे समास पूछा जाए तो समास होगा आपका बहुव्रीह समास। याद रही कौन सा? बहुव्रीह समास। इधर शब्द आया है गुरुवाज्ञा, तो यह शब्द आपके बना है गुरु प्लस आज्ञा से, और यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि यह आपके यण संधि से बना हुआ शब्द है। उ का वा में परिवर्तित तो होना। महोदय शब्द की बात की जाए तो महा प्लस उदय से बनता है महोदय, यहां पे आपके गुण संधि होती है। और कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे महोदय शब्द में समास पूछा जाए तो समास रहेगा आपका कर्मधारय समास। याद रहे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही जवाब आपका हुआ गुरुवाज्ञा। एक और प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अभिधन से राम प्लस अयन, वि प्लस सम, नि प्लस चय। तो देखो बेटा, व्यंजन संधि के नियमानुसार अभि प्लस सेक से जब आप संधि करोगे तो आपकी संधि बनती है अभिषेक, आपके व्यंजन संधि होती है इसके अंतर्गत। और आगे अगला विकल्प आया है राम प्लस अयन, तो शब्द बनता है आपका रामायण, और रामायण शब्द में आपके यहां पर हम दो प्रकार की संधि होती है, एक तो स्वर मान्य करते हैं और दूसरी आपकी व्यंजन संधि मान्य करते हैं। तो यहां न अणे में बदल रहा है इसलिए आपकी व्यंजन संधि है। वी प्लस सम बराबर क्या होता है? विषम। याद रही क्या बनता है? विषम। तो संधि आपकी व्यंजन संधि होती है। और इसके बाद में आया है नि प्लस चय,
ये आपका गलत विच्छेद है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि विसर्ग संधि के अनुसार इसका जो सही विच्छेद होता है वो नहीं प्लस चय होता है, और जिससे शब्द बनता है आपका निश्चय। तो लगाओ सभी लोग अपना राइट आंसर चौथा, ये आपका गलत विच्छेद था, सही विच्छेद नहीं प्लस चय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र का सही समास विग्रह है, तो क्रीड़ा क्षेत्र का सही समास विग्रह क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 23 के लिए आपका सही जवाब क्या होगा? देखिएगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र, ये तो यहां पे राइट आंसर क्रीड़ा के लिए क्षेत्र है। समास होता है आपका संप्रदान तत्पुरुष। जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए समाचार पत्र, तो समाचार का पत्र नहीं होता, समाचार के लिए पत्र होता है। शब्द दे दिया जाए आपके लिए रोकड़ बही, तो रोकड़ की बही नहीं होती, रोकड़ के लिए बही होती है। शब्द दिया जाए मेज पोस, तो मेज के लिए पोस। ऐसे ही शब्द होता है पलंग पोस, तो पलंग के लिए पोस। आदि उदाहरण आपके किसके रहेंगे? संप्रदान तत्पुरुष के। राइट आंसर आपका होता है पहला, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं भाई। कर्मधारय समास को दर्शाने वाला विकल्प है, इन चार विकल्पों में से आपको देखना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो नीलकमल होगा, त्रिभुवन होगा, आमरण समाज द्रोही। तो देखो बेटा, नीलकमल विग्रह होता है, नीला है जो कमल, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, आमरण मृत्यु तक, और समाज द्रोही समाज से द्रोह करने वाला। तो आपका राइट आंसर इसमें पहला होता है। और लेते हैं एक और प्रश्न आपके लिए। देखिए, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक, ये नहीं होगा। प्रतीक अर्थ होता है एक या विपरीत, अभी पास और सामने होता है, तो आपका राइट आंसर होता है अप। तो उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको पढ़ा होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज की कक्षा को हम दे रहे हैं विराम। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही लाइव सेशन के साथ में आप लोगों से, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? सभी लोग लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बतलाइएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हिंद। जय भारत।